हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। हरियाणा बोर्ड के लिए है ये, और कंप्यूटर का देख रहे हैं जो कि 2.5 घंटे का पेपर होता है और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है हमारा। सबसे पहले इसमें देखो वेटेज क्वेश्चंस की फॉर्म में, अगर आपको सिर्फ चैप्टर की फॉर्म में देखना है ना तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। मैं आपको पहले वेटेज की फॉर्म में बता दूं कि तो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे और वो टोटल हो जाएंगे 8 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो 3-3 मार्क्स के आएंगे, फिर 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के आएंगे, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-1 मार्क्स के आएंगे। ये था इसका क्वेश्चंस की वेटेज के हिसाब से। अब अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो हमारा चैप्टर 1 जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा जो चैप्टर है ये 8 मार्क्स का आने वाला है और इसमें से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 1-1 मार्क्स वाले होंगे, और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 3 मार्क्स का होगा। जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आप एज इट इज़ इसके सामने नोट कर लेना, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस में से कौन से क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें 5 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा, तो उस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एम एस वर्ड में 4 क्वेश्चन होंगे और 4 ही मार्क्स के होंगे। इसमें तो कन्फर्म हो गया कि इसमें से सिर्फ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 1 मार्क्स के आएंगे, तो सिर्फ छोटे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, वो 10 मार्क्स का आएगा और उसमें से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसमें यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे, और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 मार्क्स का होगा, और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 4 मार्क्स का होगा। यानी आपको पता चल गया कि ये जो नंबर सिस्टम वाला और लॉजिक गेट वाला जो चैप्टर है इसमें से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। यानी जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट में से आ रहा है, 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स वाला वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन C++ से आ रहा है। ये जो यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 11th के कंप्यूटर की। इसमें ये जो यूनिट है ये 18 मार्क्स की आ रही है और उसमें से 11 क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये जो लास्ट वाली 2 यूनिट हमने देखी लॉजिक गेट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, इन दोनों में से ही 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ रहा है। जो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है वो इन दोनों यूनिट में से ही आ रहा है, और एम एस वर्ड में से सिर्फ आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर साइंस। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो असल में रिव्यू होता है कंप्लीट, और यह हमने देख लिया। अब इसमें ब्लू प्रिंट भी हो गया, चैप्टर वाइज वेटेज भी हो गई, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन भी हो गया। ये था कंप्यूटर साइंस का इलाम का। इसके हिसाब से आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि एम एस वर्ड में आपको छोटे क्वेश्चन करने हैं बस, बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट वाले 2 चैप्टर में से करने हैं, ऐसे आपको आइडिया हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।